साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर से करीब 25 किलोमीटर दूर दिखा रहा हूं कपुलडी गांव की तस्वीरें। एक अजीब सा जानवर साथियों, रत्नाराम पाबड़ा, जिनके घर में कल शाम को अचानक घर के अंदर एक कमरा है, कमरे में घुस गया। पूरी रात भर ये पूरा परिवार घर के बाहर बैठा रहा। छोटे छोटे बच्चे, परिवार के लोग, सभी बाहर बैठे रहे। एक अजीब सा जानवर, इसका नाम साथियों आप कैप्शन में ज़रूर लिखना। कल रात से ही इस कमरे के अंदर घुसा था, तो कमरे का दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया था। साथियों, ये अजीब सा जानवर है, करीब कल शाम को घुसा था। आज 4 बजे शाम को इसका मुकेश माली कोबरा मैन ने रेस्क्यू किया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हो, पूरे कमरे के अंदर घूम रहा है, एक अजीब सा जानवर है। इसकी पूरी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसकी रेस्क्यू किया वो छोड़ना, सभी पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। परिवार के लोग रात से ही परेशान थे। रत्नाराम पाबड़ा है, जो कपुलडी के निवासी है, उनके घर में अचानक कहीं से घुस गया था ये कमरे के अंदर। पूरी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ साथियों, एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। करीब 1 घंटा की मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू किया मुकेश माली कोबरा मैन ने। ये पूरा परिवार है, जो इनका जो झोंपा है, झोंपे के बाहर बैठे हैं, घर के अंदर तक नहीं घुसे ये साथियों। ये रेस्क्यू कर वापस बाहर की तरफ लेकर आ रहा है मुकेश माली कोबरा मैन इसे। ये रेस्क्यू के बाद की तस्वीरें देख लो अजीब से जानवर की। 1 घंटा भर लगा साथियों रेस्क्यू करते उसका। ये रेस्क्यू के बाद पूरा परिवार देखने को उमड़ा है, देख लो इसे अजीब से जानवर को देखने के लिए। देख लो, सभी परिवार पूरा देख रहा है इसे, क्योंकि पूरे परिवार में एकदम मतलब डर का माहौल बन गया था रात से ही। भय का माहौल था। अभी इसे देख लो, वापिस रेस्क्यू कर पकड़ कर छोड़ने के लिए लेकर जा रहे हैं। एक सुनसान जगह पर ऐसे छोड़ा जाएगा, वो भी आपको तस्वीरें मैं पूरी दिखा रहा हूँ, जहाँ सुनसान जगह पर रेस्क्यू के बाद इसे मुकेश माली और पूरी टीम छोड़ रही है। देख लो, ये अभी यहाँ इसे आज़ाद कर रहे हैं, ये जानवर को, अजीब से जानवर को। ये जानवर देख लो, इसको रेस्क्यू हो गया, देख लो छोड़ दिया इसे, आज़ाद कर दिया इसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।